डॉक्टर शुभा जो है वो इंग्लैंड में एनएचएस के यहाँ काम करती थी, और अब ये बैंगलोर में एक नामी डॉक्टर हैं। ये एक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर शुभा के साथ हैं डॉक्टर मेहताब, जिन्होंने एमबीबीएस मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद एमडी रेडियो डायग्नोसिस एमजीएम यूनिवर्सिटी से किया है। ये सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और एमआरआई में माहिर हैं। तो डॉक्टर शुभा और डॉक्टर मेहताब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हम सभी के साथ ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी बांटने के लिए आप हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुई हैं। डॉक्टर शुभा और डॉक्टर मेहताब, आपको बहुत बहुत स्वागत हो। Thank you, Dr. Archana. Very kind of you. It was a great introduction. Thanks so much. Dr. Archana, itna acche se bola. Thank you. So, देखिए ब्लैक फंगस के बारे में जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया में न्यूज पे तरह तरह की न्यूज आ रही है, तो डॉक्टर शुभा मैं जानना चाहती हूँ कि ब्लैक फंगस है क्या? ये ब्लैक फंगस एक डेडली यानी जानलेवा खतरनाक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है जो फंगल इमरजेंसी हो सकता है। ये जो है सब लोगों में नहीं आता है। इंसिडेंस ऑफ दिस डिजीज क्या है, वो बहुत कम होता है जनरल पॉपुलेशन में, लेकिन उन लोगों में जिनमें रिस्क फैक्टर्स हो, जिन लोगों में कोविड इन्फेक्शन हो, ऑलरेडी लंग पैथोलॉजी हो, उनमें क्या होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, लाइक फंगल इंजेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों में ये इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो ये जो है स्पीशीज, ये म्यूकराल स्पीशीज करके एक तरफ तरफ का फंगस होता है जो सभी जगह रहता है, लेकिन इसकी मोस्टली प्रेजेंट इन ये सॉयल या जो चीज खराब हो रहा हो, लाइक इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या ब्रेड में या डस्ट, एंड समटाइम्स इवन इन द हॉस्पिटल वार्ड्स में होता है। ये स्पोर्स जब आदमी इनहेल करता है, देन इट सेटल्स इनटू द बॉडी उन लोगों में जो इसके ससेप्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ब्लैक फंगस जो है ये वैसे ही प्रकृति में, नेचर में पाया जाता है, जैसे आप बता रहे हैं कि ये मिट्टी में होता है, हवा में होता है, खराब होने वाली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, और ये तभी हमारे शरीर में सांस के जरिए अंदर घुसता है जब हम कमजोर होते हैं। आपका यही मतलब है, वैसे है, हमेशा पाया जाता है, राइट? सो डॉक्टर शुभा, ऐसा क्यों है कि हम लोग इसके बारे में इंडिया में ही इतना सुन रहे हैं? मतलब कि मैंने नहीं सुना कि यूरोप में या अमेरिका में किसी को ब्लैक फंगस की कोई केसेस हमें पता लगे हो, तो ऐसा क्यों है कि ये इंडिया में ही इतना फैल रहा है? गुड क्वेश्चन। क्या है कि इसका एक्चुअली, लाइक आई सेड, ये इंसिडेंस जो है बहुत कम है वर्ल्ड में। इसका इंसिडेंस है 0.005% इफ यू टेक अ पॉपुलेशन ऑफ 1.7 मिलियन, यानी कि बहुत नेगलिजिबल है। लेकिन इंडिया में देखेंगे तो इसका इंसिडेंस है 0.14% इफ यू टेक ओनली 1,000 पीपल। तो इसका इंसिडेंस ऑलमोस्ट 80 टाइम्स ज्यादा है इंडिया में। वन इज इंडिया का जो क्लाइमेट है ये थोड़ा टेम्परेट क्लाइमेट है, इसमें फंगल स्पोर्स एंड मल्टीप्लीकेशन का ज्यादा, इट्स अ थ्राइविंग एनवायरमेंट। और सेकेंड रीजन ये है कि इंडिया ऐसा कंट्री है जिसमें डायबिटीज का डिजीज बहुत बहुत ज्यादा है। ये डायबिटीज जो है ये रिस्क फैक्टर है, दिस इज वन ऑफ द कोमॉर्बिडिटीज जिससे ब्लैक फंगस का रिस्क ज्यादा हो जाता है, स्पेशली इफ देयर इज ऑलरेडी अ लंग पैथोलॉजी लाइक फ्लू या कोविड हो जाए। अभी तो कोविड के केसेस बहुत है, एंड देन कंबाइंड विद डायबिटीज ये बहुत डेडली हो जाता है ये कॉम्बिनेशन, एंड दैट इज वाई इंडिया में ज्यादा देख रहे हैं। तो आपका कहना है कि कोविड के चलते अगर किसी को डायबिटीज की परेशानी है और हमारा जो वातावरण है, हमारा जो क्लाइमेट है, उसके उसकी वजह से भी हमारे कंट्री में ब्लैक फंगस के केसेस ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो अगर तो डॉक्टर, फिर अगर ऐसा है कि और जिस तरीके से केसेस फैलते जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये एक नया एपिडेमिक या नया पैंडेमिक बनने वाला है कि ये कंट्रोल हो जाएगा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। ये इतना फैल रहा है अभी
कि ज्यादातर स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में कितने सारे केसेस हैं, 1500 केसेस, एंड देन अभी कर्नाटका में, द लॉट ऑफ स्टेट्स में बहुत ज्यादा केसेस देख रहे हैं. तो अभी सेंटर ने कहा है कि इसको नोटिफाइबल डिसीज में नोटिफाई कर दें. दैट मीन्स एनी बडी जिनको ये हो, that has to be notified and the statistics have to be taken, the numbers have to be counted. So isme dekha jata hai ki because the numbers itne phail rahe hain, isko abhi epidemic bol rahe hain. That means it's very much prevalent in most of the states in India. तो इसका मतलब है कि जैसे आपने बताया कि डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसके जिसको भी कोविड हो तो उसके लिए अगर डायबिटीज साथ में हो तो ये ब्लैक फंगस के फैलने का चांस ज्यादा है. तो डॉक्टर मेहताब, आप हमें बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा, वो कौन से लक्षण हैं हमारे शरीर में, क्या बदलाव आएंगे. अगर हमें कोविड है तो हमें समझ में आएगा कि शायद कोविड के बाद या कोविड के चलते हमें ब्लैक फंगस हो गया है. तो कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है, रेड फ्लैग्स है जो हमें मालूम होने चाहिए ताकि पता चले. पहले हमें जानना है कि किस टाइप का ये होता है, म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस बोलते हैं. दो टाइप का कॉमनली दिखते हैं जो कोविड पेशेंट्स, पोस्ट कोविड पेशेंट्स या जो कोविड ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं उनमें भी दिखता है. पहला होता है राइनो सेरेब्रल टाइप ऑफ म्यूकोमाइकोसिस जो साइनस और ब्रेन में अफेक्ट होता है. तो वो जैसा है कि नाक में कभी कभी ब्लड डिस्चार्ज होगा, कुछ छोटा अल्सर या ब्लैकनिंग होगा अंदर, तो नाक का एग्जामिनेशन करके पता चलेगा. ओरल कैविटी में थोड़ा टीथ लूजनिंग हो सकता है, अल्सर हो सकता है, एब्सिस हो सकता है ओरल कैविटी के अंदर. फिर जाके एक साइड फेस में दर्द हो सकता है या नमनेस हो सकता है चेहरे पे. और अगर आंख तक फैल जाता है तो आंख में ब्लरिंग विजन होता है, डिमनेस होता है ऑफ विजन, और पेन भी हो सकता है. और आखिर में अगर सेरेब्रल मतलब ब्रेन को जाता है तो पेशेंट थोड़ा कॉन्शियसनेस डिक्रीज होगा, थोड़ा ओरिएंटेशन डिक्रीज होगा और कोमा में भी जा सकता है. तो ये हो गया राइनो सेरेब्रल टाइप ऑफ म्यूकोमाइकोसिस. उसके बाद जो कॉमनली दिखता है एक और टाइप का है जो पल्मोनरी या लंग म्यूकोमाइकोसिस होता है. उसमें फीवर रहता है, कॉफ रहता है, कभी कभी ब्लड भी आ सकता है और चेस्ट पेन हो सकता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है. तो ये होता है पल्मोनरी म्यूकोमाइकोसिस. और तीन और तरीका का होता है जो रेयर होता है और कम दिखता है और यूजुअली कोविड में नहीं दिखता है. वो एक क्यूटेनियस या स्किन म्यूकोमाइकोसिस, पहले का कोई बर्न्स या जख्म हो तो उसमें आ सकता है, क्योंकि एज डॉक्टर शुभा बोला हवा में फैलता है या मिट्टी से इजिली आ सकता है. और नेक्स्ट टाइप है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोमाइकोसिस जो एकदम प्री मेच्योर नियोनेट्स में दिखता है, एक महीने के अंदर. यूजुअली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होता है जैसे कि उल्टी, जुलाब, बुखार होता है. एंड लास्ट टाइप जो सबसे हाईएस्ट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रहता है वो है डिसेमिनेटेड, जो खून में जाता है और कौन सा भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है और सिम्टम्स. एंड यूजुअली वो हाई मॉर्बिडिटी है क्योंकि ब्रेन में भी जाता है और कोमा हो जाता है, पेशेंट कोमा में जाते हैं, ब्रेन डेड हो सकता है. तो इसका मतलब है कि आपकी बात से तो सुन के बहुत ही डर लग रहा है. इसका मतलब है कि डॉक्टर मेहताब, ये तो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है. जैसे आपने बताया कि लंग्स में हो सकता है तो फिर बुखार, खून की उल्टी भी आ सकती है. अगर दिमाग में चला जाता है तो इंसान का जो है कि सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो कंफ्यूजन में चला जाता है और कोमा में भी जा सकता है. और आपने बताया कि अगर मुंह के अंदर है तो मुंह के अंदर काला दाग हो सकता है, नाक के अंदर है तो ब्लैकनेस. कुछ बताया आपने नाक के अंदर डॉक्टर मेहताब, अगर होता है तो क्या लक्षण दिखता है? कभी ब्लैक एक्स्ट्रा दिखता है और कभी कभी सिर्फ एक छोटा जख्म की तरह रहता है नाक में और मुंह में भी. अच्छा, नाक में और मुंह में अगर छोटा जख्म दिखे तो खासकर काले रंग का ही होता है या कोई भी रंग का हो सकता है डॉक्टर मेहताब? काला रंग का यूजुअली थोड़ी देर बाद होता है, कभी कभी डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर एंड उनका इम्यूनिटी स्टेटस. रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है. मतलब अगर हमें, अच्छा तो अगर मतलब हमें अगर ऐसा ऐसा कोई भी लक्षण दिखे हमारी बॉडी में, और ये खासकर डॉक्टर मेहताब कोविड में ही जैसे आपने बताया कि कोविड के बाद ही एक चीज ज्यादा उभर कर आती है, तो ये क्या सभी को हो सकती है या कोई ऐसी खासकर ऐसी कैटेगरी या उम्र के लोगों को, जैसे बड़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो ये किन में ज्यादा होता है?
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है सबको जानने के लिए कि पहला यंग पेशेंट्स में यूजुअली नहीं दिखता इतना कॉमनली, एंड अभी क्योंकि कोविड पैंडेमिक हुआ है वही कारण के वजह से दिख रहा है अभी अनयूजुअली एजेड पेशेंट्स में. और फिर बाकी काफी सारा हाई रिस्क फैक्टर्स भी है, तो डायबिटीज जो डिस्कस किया है ऑलरेडी वो मेन रीजन है हाईएस्ट, क्योंकि इंडिया में इंडिया इज द हाईएस्ट डायबिटिक कैपिटल इन द वर्ल्ड लाइक, तो उसके कारण से अगर कंट्रोल नहीं है इन्फेक्शन में तो वो उसके कारण होता है. फिर अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन है सेल्फ ट्रीटमेंट या ओवर द काउंटर यूजेज ऑफ ड्रग्स, जो कोई भी जाके खरीद लेता है कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लेके, बट बेटर एडवाइस लेके डॉक्टर से कौन सा लेने का है कौन सा नहीं लेने का है. फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट कारण है ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, या स्टीरॉइड्स एकदम जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि किसी और का प्रिस्क्रिप्शन मिला है और स्टार्ट किया है, या एकदम लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेते हैं या बहुत हाई डोजेज से शुरुआत करते हैं. फिर दूसरा और कारण है हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स रहते हैं स्पेशली जो ऑक्सीजनेशन मिलता है पेशेंट्स को, उनको लैक ऑफ हाइजीन ऑफ मास्क रहता है या वेंटिलेशन, या स्पेशली वो ह्यूमिडिफायर का पानी जो यूज टैप वाटर या अगर लॉन्ग टाइम रहा है तो वो हेल्प करेगा फंगल स्पोर्स को ग्रो होने में. फिर दूसरा कारण हो सकता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स पे पेशेंट कैंसर के पेशेंट है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, एंड ट्रॉमा पेशेंट भी दिखता है. किसी को डायबिटीज है तो और उसे कोविड हो जाता है तो क्या उसे चिंता करनी चाहिए और किस किस तरह से चिंता करनी चाहिए? कि अगर ऐसे तो हमने देखा है कि भारत में बहुत से 80% जो भी 50 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की शुगर हाई ही रहती है और कोविड भी इतना ज्यादा फैल रहा है, तो इस सीन में क्या जिसको भी डायबिटीज है उसको चिंता करनी चाहिए अगर उसे कोविड होता है, या कोई खास वजह है डायबिटीज के साथ और कोविड के साथ? जैसे आपने बताया डेडली कॉम्बिनेशन है, तो आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए. डॉक्टर शुभा आपका माइक ऑन करिए. सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये लंग पैथोलॉजी जैसे होता है कोविड के साथ या इन्फ्लुएंजा के साथ, दैट इटसेल्फ उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं फंगल इन्फेक्शंस, एंड म्यूकोरमाइकोसिस इज वन सच इन्फेक्शन. और उसमें अगर वी हैव टॉक्ड अबाउट डायबिटीज हाई ब्लड शुगर्स हैं तो इट बिकम्स बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाता है, इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स. तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जिसको हो अनकंट्रोल्ड शुगर्स, उसका डायबिटीज नहीं मेंटेन हो रहा हो, दे हैव टू मॉनिटर देयर ब्लड शुगर्स और दे हैव टू बी ऑन देयर डायबिटिक मेडिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज अगर डायबिटीज हो तो उसको कंट्रोल में रहना चाहिए, एंड अनडायग्नोज डायबिटिक्स जो हो जिनका डायग्नोसिस नहीं हुआ है लेकिन कोविड के साथ ऑलरेडी देयर ऑन द बॉर्डर लाइन और कोविड के साथ हो सकता है बिकॉज दैट इटसेल्फ पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बॉडी पर, शुगर्स ज्यादा हो सकते हैं, देन लॉट ऑफ दिस अनडायग्नोज डायबिटीज भी बाहर आ सकता है इस सिचुएशन में. That and then people जो है COVID से recover हो रहे हैं उनको steroids पे भी रखते हैं doctors, so that steroids की वजह से भी sugars बहुत ज्यादा हो जाते हैं, some people go into diabetes. तो ये conditions होता है जो monitor करना पड़ता है. अगर doctor किसी को steroids पे डाल रहे हैं then we have to check the blood sugars. ब्लड मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ यू हैव डायबिटीज और नो डायबिटीज इन कोविड इटसेल्फ एंड इफ यू आर ऑन स्टेरॉइड्स. तो इसका मतलब है कि हम सब जो भी इस वेबिनार में शामिल है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए, चाहे आप डाइट से कंट्रोल कर रहे हैं बट जो अगर डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी हैं तो उसको जारी रखिए. अपना ब्लड शुगर जो है वो रेगुलर चेक करना बहुत जरूरी है अगर आपको डायबिटीज है, और अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां, अगर दवाइयों को चेंज करना है बढ़ाना है तो उन्हें करना बहुत ही जरूरी है. क्योंकि कोविड के रहते अगर
आपको साथ में डायबिटीज भी है, और अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, आप सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बॉर्डर पे है तो मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत खाने पीने का परहेज कर लूंगा, मेरा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, बोलते डॉक्टर साहब थोड़ी बॉर्डर पे है, तो अगर थोड़ी बॉर्डर पे है तो हम थोड़ा बहुत परहेज कर लेंगे, मैं चीनी छोड़ दूंगा, बट ऐसा नहीं करना है, ये लापरवाही होगी। क्योंकि अगर इस वातावरण में, जबकि कोविड फैलता ही जा रहा है, उसका बंद होने का नाम ही नहीं है, तो अगर हम इस वातावरण में डॉक्टर शुभा के अनुसार अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन, ब्लैक फंगस की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। सही डॉक्टर शुभा? सही है डॉक्टर अर्चना। एक और बात है, जो लोग एल्डरली लोग होते हैं जो ऑलरेडी डायबिटीज होता है उनको, जब वो लोग हॉस्पिटल पे जाते हैं कोविड केयर के लिए, इंटेंसिव केयर ऑक्सीजन के लिए, तब वो जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो कई लोगों को कुछ मैंने देखा है कि डॉक्टर्स शुरू नहीं कर रहे हैं उनका ओन डायबिटिक मेडिसिन। उन लोगों को इंसुलिन दिया जाता है जब वो हॉस्पिटल पे हैं, लेकिन ये इंसुलिन बंद करने के बाद उनका डायबिटिक मेडिकेशन, रेगुलर मेडिकेशन स्टार्ट नहीं होता है, तो इसकी वजह से शुगर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए और डायबिटिक मेडिकेशन का प्लान रखना चाहिए। बिल्कुल ही सही बात, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अगर बाय चांस आप हॉस्पिटल में गए हैं कोविड के चलते, और अगर जैसे आपको डॉक्टर ने उस समय बॉर्डरलाइन डायबिटीज के लिए थोड़ा बहुत इंसुलिन स्टार्ट किया है, तो जब आप घर पहुंचते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी शुगर की दवाई जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए, और निरंतर चाहे लो डोज ही हो उसको लेते रहना चाहिए। तो इसका मतलब है डॉक्टर शुभा, कहने का ये मतलब है कि कोविड खत्म होने के कुछ हफ्ते के बाद क्या ब्लैक फंगस या कोविड की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कि कोविड के चलते ही हमें हमें कितने हफ्ते वेट करना होता है कि अगर मेरे को, मैंने अपना टेस्ट करवा लिया, मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट, सभी जानते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट हमने कराया वो नेगेटिव आ गया, तो क्या डायबिटिक लोगों को उसके बाद भी खतरा रहता है ब्लैक फंगस होने का, कोविड का टेस्ट नेगेटिव होने के बाद भी कितने हफ्ते तक रह सकता है ये डर? So, very good question. ये है कि कोविड, मोस्टली कोविड हो जाने के बाद दिखता है ये डिसीज, ड्यूरिंग कोविड या कोविड के बाद, एंड अप टू सिक्स वीक्स में ज्यादा इंसिडेंस होता है इसका। इफ द शुगर्स अगर कंट्रोल नहीं है या स्टेरॉइड्स और दिन ज्यादा ले रहे हैं तो इट कैन हैपन आफ्टर दैट, बट लेकिन हाईएस्ट इंसिडेंस होता है ये 6 वीक्स। तो 6 हफ्ते तक आप अगर अस्पताल से घर भी आ गए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 6 हफ्ते तक अपनी डायबिटीज को निरंतर कंट्रोल में रखें। एक और बात डॉक्टर शुभा मेरे मन में जो आ रही है कि हमारे किसी रिश्तेदार में किसी को कोविड हुआ, तो जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन उसमें स्टेरॉइड किया, तो अगर स्टीरॉयड वाकई में ही इस ब्लैक फंगस का कारण बनकर उभर कर आ रहा है, तो क्या स्टीरॉयड देना सही है? अभी हाल ही में हमने न्यूज में भी सुना, किसी बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति ने बोला कि स्टीरॉयड देकर ही कोविड की मौतें बढ़ रही हैं, तो क्या कुछ ऐसा रिलेशन है? कौन सा स्टीरॉयड देना चाहिए, स्टीरॉयड लेने का सही तरीका क्या है? क्योंकि डॉक्टर तो स्टीरॉयड दे रहे हैं और यहाँ पर हमारी डिस्कशन जो हो रही है वो ये है कि स्टीरॉयड लेने से कई बारी ब्लैक फंगस के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर आपको स्टीरॉयड शुरू किया गया है तो किस तरीके से उसको लिया जाए ताकि वो हमारे लिए खतरनाक साबित ना हो। अगेन लवली क्वेश्चन। ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं कोविड में, ये डबल एज स्वॉर्ड बन जाता है, यानी कि इफ यू डोंट गिव इट्स अ प्रॉब्लम, इफ यू गिव इट्स अ प्रॉब्लम। तो ये सब लोगों को नहीं चाहिए, माइल्ड डिसीज में बिल्कुल नहीं चाहिए स्टेरॉइड्स का। अगर आपके साइंस है दैट इज टेलिंग अस कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया या आपको हॉस्पिटल एडमिशन चाहिए, तो दैट इज द टाइम देन डॉक्टर्स विल स्टार्ट स्टेरॉइड्स, तभी शुरू करते हैं। ये स्टेरॉइड्स जो है एज लिटिल एज पॉसिबल, स्मॉलर डोज, माइल्ड टू मॉडरेट डोजेस ही लेना है और कम से कम दिनों में बंद करना है। ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ये 5 दिन है या 7 दिन है या 8 दिन या 10 डेज। यूजुअली इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होता है, तो कम से कम लेना है, क्योंकि ये डिसीज से ही क्या होता है, हमारे नेचुरल कॉर्टिजोल, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह से हमारा नेचुरल कॉर्टिजोल, यानी कि हमारे बॉडी में नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं, ये ऑलरेडी ज्यादा हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। एंड देन यू टेक, अगर स्टेरॉइड शुरू किया तो ये बहुत
इसकी वजह से एक इम्यून सप्रेशन हो जाता है, सेकेंडली ऑल्सो ब्लड शुगर्स बहुत बढ़ जाते हैं. सो दैट इज द प्रॉब्लम विद स्टेरॉइड्स. तो इसका मतलब है कि जैसे आपने बताया कि एक दो तरफा जो है वो जो तलवार है दोनों ही तरफ से नोकेली है, अगर लेना भी जरूरी है बट लेने का सही तरीका भी होना चाहिए. तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है, जो मेरी कुछ समझ में आता है वो ये है कि मैंने कई बार देखा है कि किसी को कोविड हुआ, उसके रिश्तेदार को कोविड हुआ, तो उन्होंने उसी की प्रिस्क्रिप्शन पे बोला कि क्या डॉक्टर को मिलना है, जो तू दवाई खा रहा है मैं भी ये दवाई खा लेता हूँ. वो भी एक चीज आपने बताया कि गलत है, अपने आप से दवाई नहीं लेनी है. दूसरा ये भी हमने देखा है कि किसी को कोविड हुआ तो पास गए. प्लीज वैभव कैन यू जस्ट थैंक यू. तो ये भी मैंने देखा है कि आपको कोविड हुआ, आप पास के किसी केमिस्ट के पास गए, केमिस्ट ने बोला कोविड है भाई तू स्टीरॉयड खा ले. तो यहाँ पर मुझे एक बहुत चीज जरूरी जो मुझे भी अपनी समझ में आता है वो ये है कि पहले पांचवे छठे जो पहले कोविड के 5 या 6 दिन होते हैं उसमें स्टीरॉयड बिल्कुल नहीं लेना होता. ये आपको नुकसान ही देगा, क्योंकि मैंने देखा है कई प्रिस्क्रिप्शंस मैंने किसी पेशेंट्स की देखी है, डॉक्टर शुभा डॉक्टर मेहताब, जिसमें पहले दूसरे दिन पे ही किसी डॉक्टर ने उनको स्टीरॉयड दे दिया. जब आप पहले 5 दिन के अंदर स्टीरॉयड लेते हैं तो जो वायरस है उसको ज्यादा मल्टीप्लाई करने का मौका मिल जाता है, मतलब वो 1 से 2, 2 से 4 जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है. तो प्लीज ध्यान रखें कि इस तरीके की प्रैक्टिस ना करें, ना आप किसी से ऐसे दवाई ले लें, क्योंकि अगर स्टीरॉयड पहले 5 या 6 दिन में लिया जाता है तो वो खतरनाक होता है. तो डॉक्टर शुभा भी कहना चाहती हैं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना स्टीरॉयड नहीं लेना चाहिए, डोज भी सही लेना चाहिए और दिन भी कम से कम. डॉक्टर साहब आपने कितने डॉक्टर शुभा बोला, 5 या 7 दिन? 5 to 10 days मैक्सिमम. ठीक है. सो आई थिंक हमारे सभी जो साथ में हमारे जुड़े हैं वेबिनार में उनको स्टीरॉयड के बारे में हमने काफी जानकारी दे दी. आगे बढ़ते हैं. सो अगर मैं ऐसी बात करूं तो डॉक्टर मेहताब, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे परिवार में किसी को ब्लैक फंगस है तो अगर मैं उनकी देखभाल करती हूँ या मैं उनके पास जाती हूँ तो क्या ये ब्लैक फंगस मुझे भी हो सकता है? ये एक से दूसरे के बीच में फैलता है क्या? नहीं, ये ब्लैक फंगस नहीं फैलता. वो डिपेंड करता है पेशेंट की इम्यून स्टेटस पे और क्या क्या ऑलरेडी हाई रिस्क फैक्टर्स है पेशेंट को, और डिपेंड करता है हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या नहीं, ऑक्सीजन पे है या नहीं. बट इंसान टू इंसान नहीं फैलता और बिटवीन एनिमल्स भी नहीं फैलता है. चलिए ये तो काफी अच्छी बात है. मतलब अगर हमारे घर में किसी को ब्लैक फंगस है तो अगर मैं हेल्दी हूँ, मेरा इम्यूनिटी ठीक है, तो मुझे नहीं होगा. ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मेहताब ये जानकारी के लिए. आगे मैं चलती हूँ कि अगर मुझे लगा मुझे ब्लैक फंगस हो गया है और मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो क्या 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 टेस्ट किए जाते हैं ब्लैक फंगस को डायग्नोज करने में, कुछ बताएंगे आप डॉक्टर मेहताब? यस, थैंक यू ये सवाल के लिए. एक्चुअली फर्स्ट मेन थिंग है हिस्ट्री लेना है, देखना है पेशेंट को क्या हुआ है, क्या सिम्टम्स है, क्या साइंस है जो पहले डिस्कस किए थे. फिर नेक्स्ट है अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है या ट्रीटमेंट है, इस पे रेगुलर एग्जामिनेशन करना है टू रूल आउट कुछ भी दिख रहा है या नहीं नोज में या माउथ में ओरल के लिए. फिर नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ है ये सब. फिर लेबोरेटरी टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट पे जाते हैं. लेबोरेटरी टेस्ट यूजुअली डेफिनेटिव होते हैं, वो टिश्यू बायोप्सी लेके अगर फंगल हाइफे दिखे तो डेफिनेटिव है कि ब्लैक फंगस हुआ है. तो जाते थोड़ा ब्रीफ में इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बोलती हूँ. तो डिपेंड करता है कौन सा सिस्टम को अफेक्ट हुआ है. अगर पेशेंट को साइनोनेजल सेरेब्रल ऑर्बिटा सोरेरल म्यूकोमाइकोसिस हुआ है तो फर्स्ट स्क्रीनिंग कर सकते हैं एक एक्सरे पीएनएस. अगर कुछ ओपेसिटीज लग रहा है या कुछ डेफिनेटिव लग रहा है कि शायद हो सकता है तो यूजुअली एडवाइस करते हैं एमआरआई फेस विथ स्क्रीनिंग ब्रेन करते हैं कि फेस पे डायरेक्टली दिखेगा ट्यूमिफेक्टिव लीजन्स दिखेगा, साइनस पे डिस्ट्रक्शन दिखेगा, एक्सटेंशन दिखेगा. अगर ऑर्बिट भी इन्वॉल्व है तो एमआरआई पे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से दिखता है, नर्व्स अच्छे से दिखता है, तो ऑर्बिट को कैसा इन्वॉल्व है, अगर ऑप्टिक नर्व को भी इन्वॉल्व है,
एंड अगर ब्रेन को इन्वेट किया है तो ब्रेन टिश्यूज भी दिखेगा कितना इंटेंसिटी सिग्नल इंटेंसिटीज चेंज हुआ है और कितना एक्सटेंड तक हुआ है. तो ये हुआ साइनोनेजल टाइप. एंड ऑल्सो कॉम्प्लिकेशंस भी रूल आउट कर सकते हैं अगर एमआरआई किया, जैसा इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन डिस्कस किया. और एक और रेयर बट दिखता है कॉम्प्लिकेशन होता है वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, यूजुअली कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस दिखता है. तो अगर पल्मोनरी सस्पेक्ट करे पेशेंट का, चेस्ट का इन्फेक्शन है, तो उसमें स्क्रीनिंग चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं. उसके बाद यूजुअली सीटी इज मोर डेफिनेटिव बोलते हैं. सीटी में क्या दिखता है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हो सकता है, कंसोलिडेशंस हो सकता है, कैविट्रेटरी लीजन्स आर यूजुअली थिक वॉल्ड कैविट्रेटरी लीजन्स आर सिग्निफिकेंट एंड दिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन. एंड ऑल्सो अभी बोल रहे रिवर्स हेलो साइन दिखता है. तो अगेन इन्वेस्टिगेशंस डेफिनेटिव है हिस्टोपैथोलॉजिकली. तो ये हिस्टोपैथोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जाती है डॉक्टर मेहता? मतलब कि अगर हमने सीटी में देख लिया या हमने एमआरआई किया, हमने एक्सरे किया, वहां पर जैसे आपने बताया कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिख रही डॉक्टर को, तो कोई और भी टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है? जैसे अगर नाक में है तो क्या टेस्ट किया जाएगा? तो वो लीजन अगर दिखेगा नाक पे या मुंह पे किधर भी, वो निकाल के टिश्यू बायोप्सी लाइक एक पार्ट ऑफ इट निकाल के वो पैथोलॉजी लैब को भेजते हैं और वो लोग कल्चर करके डायग्नोस करते हैं. अच्छा, तो मतलब वो टुकड़े की जांच की जाएगी, जिसे एक तरह से बायोप्सी भी कहा जाता है. अगर मुंह के अंदर है तो उसकी भी बायोप्सी करके कंफर्म किया जाता है कि ये ब्लैक फंगस की वजह से ही हो रहा है. ठीक है डॉक्टर साहब, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट. कि जो मुझे एक और बात जाननी है और थोड़ा सा और डिटेल में बताएं डॉक्टर शुभा, ये जो आंख का बता रहे हैं डॉक्टर मेहताब और डॉक्टर शुभा, ये जो आंख के अंदर होता है, ये आंख के अंदर का जो ब्लैक फंगस है, इसमें किस तरह का लक्षण होता है? बहुत जरूरी है जानना हमें अगर आंख के अंदर होता है तो. सो दैट इज वो जो डॉक्टर मेहताब ने कहा है, यू विल सी दोस सिम्टम्स. ये आई में एक साइडेड यूनिलैटरल एक साइडेड स्वेलिंग या डिस्टर्बेंस इन विजन या यू नो protruding eye, exophthalmos bolte hain. So any thing that affects one side, any unilateral ya face mein pain ho ya swelling ho, and then these are all the symptoms. Drooping ho ek side, so these are all the things to watch out for. Ye dekhna hai. मतलब अगर एक तरफा की आंख के आसपास की सूजन हो या दर्द हो या आंख बाहर की तरफ निकल रही हो, तो उसको हमें तुरंत अपने डॉक्टर से एक बारी चेकअप कराना चाहिए. यस डॉक्टर शुभा, तो इससे जो हम सारी बातें कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, तो अगर हमारे को लक्षण दिख गए हैं, हमने अपने टेस्ट भी करा लिए हैं, तो यहाँ पर जो बहुत जरूरी प्रश्न उठ के आता है कि क्या ये ब्लैक फंगस ट्रीटेबल डिजीज है, या फिर अगर ब्लैक फंगस हो गया तो जान लीजिए कि ये जानलेवा ही है? ऐसा कुछ है क्या आपके पास कुछ जानकारी कि इसको जानलेवा ही माने कि ये ट्रीटेबल है? ये बिल्कुल जानलेवा डिसीज है, यानी कि द मोर्टैलिटी रेट जो है, यानी कि द रेट ऑफ डेथ इन दीज केसेस, ये हाई है. इट इज अराउंड 40-50% है. लेकिन अगर पीपल में और कोमॉर्बिडिटीज हो जाते हैं, लाइक यू नो कैंसर्स, ब्लड कैंसर्स, या और इम्यूनो सप्रेशन बिकॉज ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ड्रग्स की वजह से, या तो यू नो लाइक ऑन स्टेरॉइड्स, देन ये मॉर्टेलिटी डेथ रेट जो होता है और बढ़ जाता है. और वन मोर थिंग, ये इसको अगर हमने जल्दी नहीं पकड़ा है तो इसका मॉर्टेलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है. सो द मेन स्टे इज दैट अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से जल्दी इसको हमें रिकग्नाइज करना है, साइंस एंड सिम्टम्स को. एंड लाइक वी टॉक्ड अबाउट, इसको स्टेरॉइड्स, गिविंग द स्टेरॉइड्स फॉर बहुत कम पेन, कम डोज, एंड देन कंट्रोलिंग, ये ब्लड शुगर्स कंट्रोल करना, ऑल दिस प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑल्सो इन्फेक्शन कंट्रोल, हॉस्पिटल्स में जो है इन्फेक्शन कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट जब हो गया है
सर्जरीज देन द मेन स्टे होता है इसको यूजुअली ईएनटी सर्जरीज करते हैं, ये तुरंत इनको एंटी फंगल थेरेपी पे स्टार्ट कर देते हैं. एंटी फंगल थेरेपी एक है, और अगर ऑलरेडी टिश्यूज इन्फेक्टेड है डिजीज से तो ये टिश्यूज को निकालना पड़ता है. ये सर्जिकल डिब्राइडमेंट के द्वारा ये टिश्यूज रिमूव कर देते हैं जो ऑलरेडी डिजीज है. सो दैट इज एक और बात उठ के आ रही है सोशल मीडिया में भी, न्यूज में भी. तो डॉक्टर शुभा या डॉक्टर मेहताब, क्या ऑक्सीजन जो मरीजों को दी जा रही है इस कोविड के चलते, क्या कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी ब्लैक फंगस का जिम्मेदार है कि नहीं, ये सच है कि एक मिथक है? ये हाइजीनिक कंडीशंस अगर मेंटेन्ड है तो यूजुअली नहीं होता. यूजुअली होता है, स्टडीज भी देखा है और दूसरा जगह पे भी, कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एंड होम यूज ऑक्सीजन दो अलग टाइप के होते हैं. तो जब होम सिलेंडर भी लाते हैं तो वो कभी कभी लाइक क्लिनलीनेस नहीं होता एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस होता है. अनदर मेन कॉज होता है जब डिस्चार्ज होके आते हैं पेशेंट्स घर को, तब अनहाइजीनिक कंडीशंस रहता है. वो भी बहुत संभालना चाहिए कि पूरा हाइजीनिक रहे, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर यूज करें ह्यूमिडिफायर पे, और बहुत संभालने को. और एक, हाँ जी डॉक्टर शुभा बताएं. और एक बात है, घर में कई लोग स्टीम इनहेलेशंस कर रहे हैं, तो इसके लिए भी एक बात बोलना था कि ये आप मेक श्योर कि ये डर्टी वाटर ना हो, यानी कि ये खराब वाटर जो बहुत दिन तक स्टैग्नेट हुआ हो, ऐसा वाटर यूज ना करें. वो क्लीन वेसल्स और क्लीन वाटर यूज करें स्टीम इनहेलेशन के लिए. तो इसका मतलब है कि हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि अगर मरीज कोविड ट्रीटमेंट ले चुका है और उसके बाद वो घर आ चुका है या होम आइसोलेशन था और अब ठीक है, उसके बाद भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है साफ सफाई का, क्योंकि उस समय मरीज की इम्यूनिटी अभी भी डाउन है ना, इम्यूनिटी भी डाउन है, उसने हो सकता है स्टीरॉयड भी लिया हो जिसकी वजह से उसकी और भी डाउन हो चुकी है. तो अगर ऐसे में वो दूषित वातावरण में रहेगा, गंदगी में रहेगा, तो वो किसी तरीके का भी इन्फेक्शन पकड़ लेगा, चाहे वो फंगस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो. तो अगर क्योंकि फंगस की बात हो रही है तो फंगस जो है वो एकदम उस इंसान को पकड़ लेगा जिसकी इम्यूनिटी लो. तो कोविड खत्म होने के बाद भी आपको ये खतरा आपके ऊपर मंडरा सकता है. तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम ह्यूमिडिफायर यूज कर रहे हैं कमरे के अंदर, तो जो उसका पानी है वो पानी डॉक्टर मेहताब कह रही हैं कि बिल्कुल साफ होना चाहिए, और अगर गंदा पानी होगा तब भी वो पानी हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें अगर ये फंगस के स्पोर रहे तो वो इंसान सांस के जरिए हमारी छाती के अंदर, लंग्स के अंदर जाकर इस तरह का इन्फेक्शन कर सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी तो लो है तो उसको अपना एक घर मिल जाता है रहने के लिए. तो इस फंगस से बचने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए सभी, कि ठीक होने के बाद भी आपको ध्यान रखना है. और दूसरा, ये जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो ले रहा है उन्हीं को ज्यादा केसेस हो रहे हैं ब्लैक फंगस के. कुछ कनेक्शन है क्या डॉक्टर मेहताब या डॉक्टर शुभा बताएंगे? मेनली ये है कि हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करना है, एंड मेडिकल यूज और इंडस्ट्रियल यूज का थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वही संभालना चाहिए कि किधर से भी ऑक्सीजन मिलता है. ठीक है, तो अगर आजकल तो अस्पताल में फटाफट से बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी अब सप्लाई भी हो रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी लग गया है, सभी अस्पताल अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगा रहे हैं, ताकि आगे से जो हाल ही में ऑक्सीजन की कमी हुई जिसकी वजह से बहुत आने भी गई, तो वो दोबारा ना हो. तो आशा करते हैं कि अगली बार कभी ऐसा हमारे कंट्री में, हमारे देश में, हमारे सिटी में इस तरह की परेशानी किसी के घर में ना हो, कि ऑक्सीजन ना मिले और फिर गलत ऑक्सीजन यूज करने से कई बारी इस तरह की परेशानियां ना हो. तो एक और चीज मैं लेके चलती हूँ डॉक्टर मेहताब, कि अभी ये ब्लैक फंगस के साथ साथ कुछ व्हाइट फंगस भी हम सुन रहे हैं, तो ये व्हाइट फंगस भी क्या ब्लैक फंगस की तरह ही खतरनाक है? यस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने. तो ये व्हाइट फंगस उतना डेंजरस नहीं है जितना ब्लैक फंगस है, और मेन कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसमें होता है, एक ईस्ट होता है, वो भी कैंडिडा बोलते हैं, और इन्फेक्शन कैंडिडियासिस होता है. वो नॉर्मली दिखता है अपना स्किन पे, बॉडी पे, ओरल कैविटी में, जेनाइटल ट्रैक में, गट में, तो नॉर्मली दिखता है हमारा शरीर में.
तो बेसिकली सेम रीजंस जो कोविड ये ब्लैक फंगस में भी होता है, जब इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज होता है, डायबिटिक हो, स्टीरोइड्स ले रहे हैं, जो सब डिस्कस किया है, और कुछ पेशेंट कैंसर है या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ड्रग्स पे भी है, तो उनमें ज्यादा चांस है कि यह दिखे. तो क्या दिखेगा, मेनली वाइट लीजन्स दिखेगा ओरल कैविटी में, थ्रश बोलते हैं इसको. फिर एंड जेनिटल ट्रैक में भी वाइट डिस्चार्ज दिख सकता है. तो ये माइल्ड टू मॉडरेट यूजुअली होता है, एंड 7 to 10 days के अंदर अगर एंटीफंगल मेडिसिन लिया डॉक्टर के एडवाइस से, तो यूजुअली ये हील होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि हमें उतनी चिंता नहीं करनी है जितनी हमें ब्लैक फंगस की हो रही है. तो ये तो व्हाइट फंगस तो हम सुनते भी रहते हैं, कई बार हमने सुना है कि मुंह के अंदर किसी को सफेद दाग पड़ गए या स्किन के ऊपर हो गए या प्रजनन अंगों में हो गए, तो वो सब सफेद पानी की शिकायत भी हम आम सुनते रहते हैं. तो ये व्हाइट फंगस उसी की वजह से है. बट ये ब्लैक फंगस जो है ये कोविड में हम ज्यादा देख रहे हैं, जबकि व्हाइट फंगस तो वैसे भी हम सुनते रहते हैं. तो व्हाइट फंगस का तो इलाज डॉक्टर मेहताब है ना हमारे पास, अगर हम एंटी फंगल ट्रीटमेंट दें तो खतरनाक तो नहीं होगा व्हाइट फंगस? यूजुअली उतना खतर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स ही होता है. रेयरली अगर डिसमिनेट हुआ ब्लड में तो सीवियर इन्फेक्शन पे जा सकते हैं, जो आईवी एंटीबायोटिक्स और फिर डॉक्टर के एडवाइस से देखना होगा. ठीक है, तो ये तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई डॉक्टर मेहताब और डॉक्टर शुभा. ब्लैक फंगस के बारे में जो भी हमारे दिमाग में प्रश्न थे और सच्चाई और मिथक आपने बिल्कुल दूध की दूध पानी की पानी कर दी. तो अगर हमारे इस छोटे से वेबिनार से किसी को भी कोई जानकारी अच्छी लगी और आपको लाभ हो, तो हम बहुत ही खुश हैं कि हम आपकी कुछ ना कुछ तरीके से मदद कर पाए. तो कुछ सवाल भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, देखते हैं कि क्या सवाल किसी ने हमसे कुछ सवाल भी पूछे हैं. किसी ने पूछा, वासुदेवन जी पूछ रहे हैं कि डू वी नीड टू सस्पेक्ट म्यूकर If a person just presents with severe headache and high grade fever for more than 1 week, तो डॉक्टर शुभा, मिस्टर वासुदेवन पूछ रहे हैं कि क्या हेडेक और हाई ग्रेड फीवर अगर एक हफ्ते का हो तो क्या उस समय हमें म्यूकर माइकोसिस के बारे में सोचना चाहिए या चिंता करनी चाहिए? उस वक्त अगर उनका उनको और कोमॉर्बिडिटीज हो लाइक डायबिटीज और स्टेरॉइड्स पे हो, देन हमें देखना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दैट. लेकिन एट दैट टाइम द रीजंस जो है हाई फीवर के लिए या हेडेक के लिए कैन बी समथिंग एल्स. इट कुड बी सो मेनी थिंग्स ड्यूरिंग जब कोविड होता है, देन इट कैन बी फॉर्मिंग अ निमोनिया. इट कुड बी सो मेनी अदर थिंग्स. तो उसकी जस्ट उसकी वो सिम्टम्स से हम म्यूकोरमाइकोसिस का डायग्नोसिस नहीं बोल सकते, लेकिन उसको देखना है. देन द डॉक्टर में डिसाइड कि इसको ये चेस्ट एक्सरे करना है नेक्स्ट या सीटी करना है, देखना है कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई है, इन्फेक्शन इज इट फॉर्मिंग इनटू अ निमोनिया, ये देखना है. बट अगर उनको डायबिटीज है, दे आर आल्सो ऑन स्टेरॉइड्स, देन ये हमें वी शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, कीप अ हाई सस्पिशन. Okay, so always keep in mind, keep a high suspicion for it for Mr. Vasudevan. And Hema Sundar wants to know, good evening, madam. Will the black fungus attack the vaccinated person? If yes, please suggest what all precautions shall be followed at the earliest. Vaccination karne se bhi COVID hota hai, hame malum hai abhi. To COVID, lekin vaccination होने के बाद जो कोविड होता है ये मोस्टली माइल्ड टू मॉडरेट ही होता है. तो लेकिन अगर उनमें कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, अगेन द सेम थिंग स्टेरॉइड्स यूज है, देन क्या होता है कि ये चांसेस हो सकते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन के. बट मोस्टली वैक्सीनेशन बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है एट द मोमेंट. तो ये तो मैसेज मैं भी देना चाहूंगी सभी को कि वैक्सीन इस समय हमारे पास एक ही हथियार है कोविड के लिए. तो कोई भी अगर आपको वैक्सीन मिलती है, चाहे वो कोविशील्ड मिलती है, चाहे कोवैक्सीन मिलती है, आपको बिल्कुल भी दो सेकंड के लिए भी नहीं सोचना है. जो भी वैक्सीन मिलती है, दोनों ही वैक्सीन सेफ है, दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित है, आप उनको लीजिए. अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो और दो डोजेस का अपना पूरा कोर्स ले लेते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं
कि अगर आपको कोविड होगा भी तो आपके सिम्टम्स जो है ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं, आपकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं होगी, क्योंकि डेटा हमें यही बता रहा है कि 90% to 95% जो लोग ये वैक्सीन ले रहे हैं उन्हें अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो वह हल्का हो रहा है। तो इसलिए इस बात पे तो दो राय बिल्कुल नहीं है। तो अगर जैसे डॉक्टर शुभा ने बताया कि वैक्सीन लेंगे तो अगर ये सब कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं, फिर भी अपना डायबिटीज को कंट्रोल करें और स्टीरोइड्स को सही तरीके से डॉक्टरी सलाह से ही लें। चित्रा जी पूछ रही हैं, कैन यू प्लीज गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ व्हाइट येलो एंड ब्लैक फंगस लाइक वेयर आर दीज सीन। तो ये तो अभी चित्रा जी डॉक्टर शुभा ने शुरू में ही बताया था कि ब्लैक फंगस जो होता है ये मिट्टी में पाया जाता है, हवा में होता है, और ये डॉक्टर शुभा सही बोल रही हूँ ना मैं, खराब होने वाले फ्रूट्स में होता है, सड़ने वाली सब्जियों में भी होता है। तो ये हमारे वातावरण में पहले से ही है, ये कोई नया फंगस नहीं है। बस सिर्फ ये है कि क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कोविड के चलते कम हो जाती है तो ये हमें अटैक कर देता है। रही बात येलो फंगस की, डॉक्टर मेहताब ने अभी येलो फंगस के बारे में और व्हाइट फंगस के बारे में बताया है। सो डॉक्टर मेहताब, आपने व्हाइट फंगस के बारे में बताया, तो ये येलो फंगस भी वैसा ही है कि कुछ फर्क है? येलो फंगस ज्यादा ये नहीं है अभी, बट बोल रहे कि इट्स मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस एंड और उतना कॉमन नहीं है, थोड़ा रेयर है और टाइम लगता है हील होने में। तो सेम रीजन होता है कि क्यों होता है, क्लेनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड द डिजीज, क्लेनलीनेस एंड पुअर हाइजीन। तो अगर ये नहीं है तो फंगल्स पोस्ट तो रहता है तो हो सकता है कभी भी। और जाके व्हाइट फंगस जो होता है, जो कैंडिडियासिस डिस्कस किया है, वो तो नॉर्मल अपना शरीर में ही रहता है। तो वो तो कभी भी हमें अटैक कर लेता है, मुंह में भी सफेद दाग हो जाते हैं, वो तो हम सुनते रहते हैं। येलो फंगस आप कह रहे हैं कि ब्लैक से ज्यादा खतरनाक होता है? यस, बट कॉमन नहीं, यही बात है ना डॉक्टर मेहता? कॉमन नहीं है जी। चलिए, किसी को और कोई सवाल पूछना है तो जरूर पूछिए। हमारे किसी का सवाल आया है शेयर। देयर इज अ र्यूमर, कौशिक जी पूछ रहे हैं, देयर इज अ र्यूमर दैट वन शुड नॉट ईट रेफ्रिजरेटेड फूड अवॉइड ब्लैक फंगस, इज इट ट्रू मैडम? सो डॉक्टर मेहताब, डॉक्टर शुभा, फ्रिज में रखा हुआ खाना पूछ रहे हैं, इज इट ट्रू दैट वी शुड नॉट ईट रेफ्रिजरेटेड फूड इफ यू हैव टू अवॉइड ब्लैक फंगस? जहां तक हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है डिकेइंग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में होता है ये फंगस, रेफ्रिजरेटेड फ्रूट्स में तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दिस। डॉक्टर मेहताब, डू यू हैव एनीथिंग टू से टू दिस? या आई हैव द सेम ओपिनियन, एंड खाना अगर आई थिंक properly garam karte hain and we check for it and look for any and this thing, I think it shouldn't be a problem, but it shouldn't be very utna din ka nahi hona chahiye obviously ke kuch bhi grow ho sakta hai fir uske andar. To taza khana to sabse best rehta hai, but agar aap fridge mein rakh rahe hain to wo bhi bahut lambe samay tak na rakhein, kyunki wo waise bhi koi bhi halaat ho agar aap khana bahut der tak bahar rakhenge ya galat temperature mein usko store kiya jayega to khana kharab to hota hi hai. और जहां जब खाना खराब होता है उसमें बैक्टीरिया भी आ सकता है, फंगस भी आ सकता है, तो ये तो नॉर्मल नॉर्मल जानकारी है, बहुत जरूरी जानकारी है कि ताजा खाने विता है, वो कहते हैं कि जो खाना है ताजा बनाओ और ताजा खाओ। तो आई थिंक पुराने जमाने में शायद फ्रिज वगैरह इतने नहीं होते थे तो लोग उसी समय बनाते थे और उसी समय खाते थे ताकि बैक्टीरिया फंगस वगैरह खाने में ना ग्रो करे। So that is very important and thank you so much. Ek aur question aa gaya hai, sorry Dr. Shubha or Dr. Mehtab. If a person is already suffering from chronic fungal infection, is the person more at risk of getting affected with black fungus? Usually what is the reason of a fungal infection? Commonly dikhta hai immunocompromised state mein. So if already patient is immunocompromised, then any not only fungal, bacterial infection भी हो सकता है। And एक और type का fungus अभी जो बोल रहे studies में aspergillosis बोलते हैं, वो भी अभी दिख रहा है post covid patients में। तो वो भी वो सिर्फ usually chest में ही दिखता है, पहले सिर्फ TB patients में दिखता था usually क्योंकि वो immunocompromised रहते थे, but अभी post covid patients में भी दिख रही है।
एस्पर जिलोसिस का भी कुछ लक्षण होता है कि ये भी वही लक्षण होता है जैसे बुखार आना, खांसी आना? हाँ सेम है, बुखार, खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। अच्छा, सो कोई और सवाल है तो आप जरूर पूछिए, हमारे डॉक्टर आपको सारे सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी हैं। आप बताएं कुछ जानकारी आपको किसी को और चाहिए ब्लैक फंगस के बारे में? काफी कोशिश करी है डॉक्टर शुभा और डॉक्टर मेहताब ने कि सारी जानकारी आप सभी को दी, तो इसके साथ ही हम अपना वेबिनार जो है वो यहीं पर ही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आगे भी हम ऐसे ही डिस्कशंस आपके साथ करते रहें। और आपको वीडियो हेल्थ की तरफ से थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू डॉक्टर शुभा एंड डॉक्टर मेहताब फॉर बीइंग सच प्लेजेंट स्पीकर्स ऑफ द पैनल एंड गिविंग अस सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट ब्लैक फंगस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर।